हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग काउंटर्स में। आज मैंने आपके लिए चिकन में एक और यूनिक रेसिपी बनाई है जिसको कहते हैं मखमली हांडी चिकन। तो आप देख सकते हैं, देखने से इसका लुक और डिश कितनी शानदार लग रही है, खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। तो इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। मैंने इसके अंदर सिर्फ सिंपल अपने घर के मसाले डाले, बाहर का कोई मसाला मैंने इस्तेमाल नहीं करा है। उसके बाद भी ये डिश देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए अब इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये लिया है 750 ग्राम चिकन और इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी और ये एक नींबू का रस और 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे दही और 1 भर के चम्मच हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह इसमें मिलाएंगे। अब हम इसकी आगे की तैयारी करते हैं और जितना टाइम हमें तैयारी में लगेगा उतनी देर हम इसको मैरिनेट करेंगे। अब इसकी हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे तो उसमें 2 ये प्याज, 2 टमाटर और 3 हरी मिर्च। अब हम इन तीनों चीज़ों का फाइन पेस्ट बनाएंगे। मखमली हांडी चिकन के लिए हमने एक गहरा बर्तन हांडी नुमा ले लिया है जिसमें हमने तेल गरम कर लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ये अपनी ग्रीन चिली को थोड़ा फ्राई करेंगे। अब तेल हमारा गरम है, इसके अंदर डालेंगे जीरा। जीरा डाल दिया हमने, ये सिनेमा स्टिक डाली है, ये हमने डाली है इसके अंदर 1 बड़ी इलायची। अब हम ये इसके अंदर प्याज डालेंगे, बस हमें इतना ऐसे ही प्याज चाहिए। अब इसके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक, दोनों का 1-1 चम्मच डालेंगे। लहसुन, अदरक और प्याज हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हमने अपना जो पेस्ट तैयार करा था, 2 टमाटर, 2 प्याज और 3 हरी मिर्च। ऐसे करके हम डालते हैं थोड़ा सा प्याज जो हमने इसको कटिंग करके डाला है ऑमलेट कट, तो उससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार होती है और टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। चलिए अब इसमें हम डालेंगे नमक। देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले और डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कश्मीरी देगी मिर्च, ये हमने डाला भुना जीरा, ये हमारी काली मिर्च, 2 चम्मच अच्छा भर के हम डालेंगे इसके अंदर धनिया और ये मेरा होममेड गरम मसाला 1/2 चम्मच और इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक। अब हम इन सबको अच्छी तरह मिलाएंगे और खूब अच्छी तरह इसको भूनेंगे। जब तक मसाला दानेदार नहीं हो जाता और ऑयल अच्छी तरह सेपरेट नहीं हो जाता जब तक हमें इसकी भुनाई करनी है। ऑयल हो गया सेपरेट, हमारा मसाला हो गया है दानेदार। अब हम इसके अंदर अपना चिकन डालेंगे साथ। ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास हमारा मखमली हांडी चिकन बनके तैयार हुआ है। हमने इसको पूरा 20-25 मिनट पकाया है और उसके बाद हमने मतलब बीच बीच में इसको हमने देखते भी रहे हैं क्योंकि ये नीचे ना लग जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हुई है और पूरा तेल जो है सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर वो मिर्ची डालेंगे जो हमने शुरू में फ्राई करी थी। इसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्राई करी मिर्ची का और देखने में लुक भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। ये लीजिए हमारा मखमली हांडी चिकन तैयार है, जो बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। इसको हमने घर में अपने जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं उन्हीं से बनाया है। इसके अंदर हमने बाहर का कोई मसाला नहीं डाला है, जैसे चिकन मसाला आता है
लेकिन हमने वो भी डाला है, सिर्फ इसके अंदर हमने दही डाला था थोड़ा सा मैरिनेशन में, बाकी का हमारे सिर्फ मसालों का कमाल है। फिर भी आप इसको देख सकते हैं कितनी, जो ग्रेवी को देख के लुक इस तरह लग रही, बिल्कुल ही कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी वाकई ये मखमली चिकन बना है। तो चलिए आप भी इसे बनाइए और खाइए, और अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।